आप भी बताइए कि मैच्योर एक समझदार व्यक्ति के सामने अगर ये अपॉर्चुनिटी रखी जाए तो उसका डिसीजन यस होगा या नो होगा? यस होगा। तो आपका डिसीजन कैसा होगा सर? चलो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। तो सर हम एक बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। तो बताइए किसके नाम से मैं आपका फॉर्म भर दूं? सर आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास काम करने का। अभी मेरे पास समय? सर बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो मतलब कि मुझे और खुशी हुई है। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी पर्सन हो और कामयाब पर्सन हो। आप अपनी लाइफ में काम में ज्यादा बिजी रहते हो, किस वजह से आपको समय नहीं मिलता है? तो सर जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से उसी संस्था में ही आप ज्यादा बिजी रहते होंगे। तो सर देखो, समय जो आपने बोला ना, समय नहीं है, ये वाकई में मिडिल क्लास के पास समय होता ही नहीं। चाहे कोई 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, और चाहे कोई रेडी लगा के खड़ा है, और चाहे कोई 1,00,000 रुपए महीने कमा रहा है, सही है या गलत है? उनके पास समय नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, आप जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया में, जो 5% लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास समय कितना होता है? मेरे ख्याल से वही समय होगा जितना भगवान ने सबको दिया है। 24 घंटे उनके पास है, 24 घंटे हमारे पास है, यस और नो? यस। तो वो किस तरीके से अमीर बन जाते हैं उसी समय को उपयोग करके, यूज करके? और हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन हम अमीर नहीं बन पाते। तो इसका कभी आपने जानने की कोशिश करी सर? नहीं करी। तो सर मैं आपको 2 मिनट रखूंगा, मैं समझाऊंगा आपको समय का फॉर्मूला। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला जो आपके जीवन, आप बिजनेस करना या ना करना, लेकिन आपके जीवन में ये चीज बहुत काम आएगी। जानना चाहोगे सर? जी। देखिए सर, हमारे जीवन में सबको कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। सर 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम काम करते हैं, 4 घंटे घर के नॉर्मल खाना नहाना धोना पीना करते हैं, 2 घंटे हम कहीं भी आने जाने लगा देते हैं, 2 घंटे हम फैमिली को देते हैं, सन्नू ऐसे करके हम ये 24 घंटे निकाल देते हैं। इसका मतलब जो प्रोडक्टिविटी टाइम है, कमाने वाला टाइम है, हमारे पास कितना है? बस 8 घंटे। कितने का है? 8 घंटे। इस 8 घंटे काम करके हम कितना कमा पाते हैं? 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए। लेकिन वही लोग इसी 8 घंटे का इस्तेमाल करके महीने के करोड़ों में टर्नओवर करते हैं, यस और नो? यस। कैसे करते जानना चाहोगे सर? यस। किसी ने कहा है कि समय ही धन है, यस और नो? यस। टाइम इज मनी। तो एक फॉर्मूला है सर, जो अपने टाइम को इंक्रीज कर लेगा, किसको? टाइम को इंक्रीज कर लेगा, वही इंसान पैसे वाला बन जाएगा। जैसे कि आपने वो चीज तो सुनी होगी, हम जब 8वीं 10वीं में पढ़ते थे तो मैथ के कुछ सवाल आते थे कि एक राज एक घर को 10 दिन में बनाता है, कितने दिन में बनाता है? 100 दिन में बनाता है। अगर उसी घर को 10 राज बनाने लग जाएं तो कितने दिन बन जाएगा? 10 दिन में बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैन पावर बढ़ गई, टाइम मल्टीप्लाई हो गया और घर जल्दी बन गया, यस और नो? तो ये सारे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनको समझ में आता है टाइम को यूज करना। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हमारे टाइम को यूज कर लेते हैं। हम जैसे आप जैसे लोगों से नौकरी करवाते हैं, अब हम नौकरी में 8 घंटे तो काम करते ही हैं। अब मान के चलो आप भी 8 घंटे की नौकरी कर रहे हो कंपनी में, मैं भी कर रहा हूं, और मेरे जैसे आप जैसे लोग लाखों लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। सर लाख लोग 8-8 घंटे डेली काम करेंगे तो कितने घंटे बन गए? कितने घंटे बन गए? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक टाटा की कंपनी है, टाटा की कंपनी में अगर लाख लोग काम करते हैं तो एक दिन में ही 8-8 घंटे काम हो रहा है। अगर मैं अपने आपके और अपनी जिंदगी के घंटे ऐड कर दूं ना, तो भी हम लाख घंटे नहीं बना सकते, जबकि रतन टाटा एक ही दिन में 8,00,000 घंटों के बराबर पैसे कमा लेता है, यस और नो? यस और नो? किसको यूज करके? टाइम को मल्टीप्लाई करके। ये चीजें सर हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन मुझे ये फॉर्मूला समझ में आया तो मेरे को समझ में आ गई थी और मैंने ठान लिया था, जैसे लोग जैसे ये बड़े लोग लोगों का टाइम खरीद कर बड़े बन जाते हैं, ऐसे में लोगों का टाइम खरीद के मुझे भी बड़ा बनना है। लेकिन सर मेरे सामने समस्या ये थी कि मैं 8,00,000 लोगों को या लाखों लोगों को सैलरी कहां से दूंगा, या सर लोग पैसे कहां से दूंगा, ये मेरे सामने समस्या थी। लेकिन वो जिस दिन मुझे AWPL का प्लान मिला, उस दिन सर मेरी समस्या खत्म हो गई और आपकी भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, अगर आप जो आप नौकरी कर रहे हो 8 घंटे की, उसी 8 घंटे को आप 10 घंटे समझ लें सर। कितने समझ लें? 8 घंटे आपने जॉब की, 2 घंटे आपने मेरे साथ काम किया मिलकर एवरीडे। 2 घंटे में हमने किसी दिन एक को ज्वाइन कराया, किसी दिन 2 को ज्वाइन कराया, मान चलो महीने में हमने 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया। कितने लोगों को ज्वाइन करा दिया? 100 लोगों को। लेकिन मैं 100 भी नहीं मान रहा, मैं कहता हूँ 100 की जगह 10 तो ज्वाइन हो सकते हैं एक महीने में सर। कितने हो सकते हैं? 10। कम से कम बताओ सर कितने ज्वाइन हो सकते हैं? 10। चलो 10 भी छोड़ो, 2 लोग तो ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं एक महीने में सर। अगर हमने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया तो ये 2 लोगों की हमारी टीम बन गई। अब 2 घंटे आप काम करते हो, 2 घंटे ये लोग काम करेंगे अगले महीने, 2-2 घंटे ये भी आपकी तरह और हमारी तरह पे चाहिए किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो कितने घंटे काम होने लग जाएगा सर? 4 घंटे।
पहले आपके जीवन में 8 घंटे काम करने के थे, आज 4 घंटे ऐड हो गए अगले महीने से ही, तो अब आपकी जिंदगी में कितने घंटे काम हो रहा है सर? 12 घंटे। अब दूसरे महीने में ये दो लोग भी अपने दो दो लोग लेकर आते हैं, ये भी कहते हैं भैया जैसा गुरु वैसा चेला, हम भी ज्यादा नहीं लाएंगे, दो ही लोग लेकर आएंगे। सही है, दो लोग दो दो लोग लेकर आएंगे तो कितने हो गए सर? 4 हो गए। तीसरे महीने 4 के कितने हो गए? 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, 256, 512, 1024 और 2048, 4096। टोटल 12 महीने में कितने लोग आ गए? 8190 लोग। कितने लोग आ गए? 8190 लोग। सर ये 8190 लोग एक साल बाद सर दो दो घंटे काम करें तो कितने घंटे काम होने लग जाएगा आपके नीचे? कितने घंटे काम होने लग जाएगा? 16,000 घंटे। कितने घंटे? 16,000 घंटे। हाथ मिलाइए प्रणय सर, आपने एक ऐसा काम शुरू किया, आज आपके पास 8 घंटे हैं, लेकिन इस बिजनेस को अपनाकर आपने अपने नीचे 16,000 घंटों का काम कर लिया सर, ये बहुत जबरदस्त बात है। सही है। इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। समझ में आ गया?